पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर रहे विधायक राकेश सिंघा की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। लोगों के साथ चक्का जाम पर बैठे राकेश सिंघा पर FIR दर्ज करवाई गई है। ठियोग के विधायक पानी की कमी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 5 पर लंबा जाम लग गया। जाम में IGMC से डिस्चार्ज होकर घर वापस जा रहा एक मरीज भी फंस गया। इस दौरान एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। थाना ठियोग में सुरेश कुमार नाम के शख्स ने केस दर्ज करवाया है, जिसमें कहा गया है कि जब वो अपने ससुर को IGMC से डिस्चार्ज कर घर ले जा रहे थे, तो जब वो फागू पहुंचे तो वहां ट्रैफिक जाम था। जाम में फंसने से ससुर की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद वह फौरन किसी भी तरह पैदल ही सिविल अस्पताल में चेक करवाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। ठियोग थाना के अंतर्गत जो है फागू के पास बिगल्टी में जो है CVM कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है चक्का जाम किया गया था, जिस वजह से वहां पे थोड़े ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी रही है और उसमें एक चिड़गांव के व्यक्ति की जो है उसमें उस दौरान मृत्यु हुई है और उन्होंने ठियोग थाना में जो है कंप्लेंट दी है कि उस चक्का जाम की वजह से जो है उनके फादर की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जो है एक FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, राकेश सिंघा पर FIR दर्ज, ठियोग से विधायक, मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये कहा गया है शिकायतकर्ता की तरफ से, जो मृतक है उनके दामाद की तरफ से ये शिकायत जो है फागू चौकी में दी गई थी और इसके बाद जो है FIR दर्ज हुई है। ये आरोप लगाया गया है कि जो वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा था उसी की वजह से लंबा जाम लगा था। वो अपने ससुर को जो है IGMC से लेकर आए थे, तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, वो दमे की शिकायत उन्हें थी और डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अगर रास्ते में कहीं उनकी तबीयत बिगड़ती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो तुरंत उन्हें जो है नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाए, ऐसी उन्हें जो है सलाह दी गई थी। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी फागू के पास और वो अस्पताल जो समय पर नहीं पहुंच पाए और ये उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि जो माकपा विधायक और उनके साथी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसकी वजह से जो है वो समय पर अपने ससुर को अस्पताल नहीं पहुंचा पाए और इसी के चलते उनकी जो है मृत्यु हुई है। तो इसको लेकर ये FIR हुई है। अब बड़ी जो धारा है 304A वो जो है लगाई गई है पुलिस की तरफ से। हालांकि राकेश सिंघा ने ये कहा है कि जो भी धरना प्रदर्शन का तक रहा है, चक्का जाम भी किया है, लेकिन उसमें जो एम्बुलेंस होती है, जो निजी गाड़ियों में भी किसी मरीज को ले जाया जाता है और जिसमें सेना की गाड़ियां होती हैं और जो आपातकालीन वाहन है उन्हें जो है प्रदर्शन के दौरान रोका नहीं जाता। उन्होंने मृत्यु पर खेद जरूर जताया है लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में जो है जल्द पूछताछ करेगी और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि राकेश सिंघा की तरफ से जो है पुलिस से सहयोग किया जाएगा, ये जानकारी फिलहाल निकल कर आई है। सुजाता जी, रणबीर, क्या इसमें सिर्फ एक FIR दर्ज हुई है राकेश सिंघा पर या उनके साथ बैठे कुछ जो उनके समर्थक थे या सहयोगी थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज है? या बहुत सारे नाम है जो इसमें नामजद है और इसमें बड़ा नाम जो एक जो हिमाचल की विधानसभा के प्रदेशाध्यक्ष है माकपा से जुड़े हुए लीडर है कुलदीप तंवर और उसके अलावा कुछ उनके और काफी सारे जो नाम है जो धरने प्रदर्शन में शामिल थे वो सारे जो है जो शिकायत दी गई है पुलिस को उसमें ये सारे नाम जो है दिए गए हैं। सबके खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर 304A के अलावा 341 और 147 की धारा के तहत ये मामला जो है दर्ज किया है। इसकी पुष्टि शिमला पुलिस ने की है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस मामले में आगे जो है छानबीन होती है और किस तरह की कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। जी, शुक्रिया रणबीर ज्यादा जानकारी के लिए। तो ठियोग से विधायक है राकेश सिंघा जिन पर FIR दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि जाम में मरीज की सांसें रुक गई थी। 5
पक्ष पर ये चक्का जाम लगाया गया था। पानी की किल्लत को लेकर यहाँ पर विधायक राकेश सिंघा द्वारा चक्का जाम लगाया गया था, जिसमें आईजीएमसी से डिस्चार्ज हुए एक व्यक्ति की सांसें जो है वो टूट गई। उसके बाद उन पर FIR दर्ज हुई है और यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है विधायक राकेश सिंघा की। झूठा वादा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।